देख भाई, अब तू फिर से घरवार वाला हो गया है। काम काज तो तुझे करना ही पड़ेगा। कब तक लोगों के घरों में यूं रोटियां तोड़ता फिरेगा? अबे क्या हो गया खाला, तुमको क्या हो गया है? मर्द का रिस्क जो है ना, औरत के साथ मंसूब होता है। जब औरत ही जेब में हाथ डाल दे तो रिस्क में बरकत खाक होगी। अरे बस रहने दे, अब इतना भी इल्जाम ना लगा। माना कि उसने चोरी की, पर तेरा पैसा तेरे ही घर में लगाया ना। अबे क्या बताऊं खाला, 2,000 रुपए की दाल चावल खरीद के ले आई बेवकूफ लड़की। हेलो असगर भाई, गर्मा गर्म रोटी। अरे वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया मेरा, वाह वाह। मैं थोड़ा सालन डाल के। ए बस रहने दे, रब रख दे, जितना खा लिए ऐसे ही हजम कर ले। थोड़ा सालन बेटा हमारे लिए भी रहने दे, हमने भी रात को कुछ खाना डपना है कि नहीं। अब हम दूसरों के घर में जाके थोड़ी रोटियां खाते फिरेंगे। यूं भी फहद के जाने के बाद हमारा खर्चा बहुत होना शुरू हो गया, हमारा तो हाथ ही तंग हो गया भाई। और ये जो नया किराएदार रखा है, अल्लाह माफ करे, रो रो के पैसे देता है और ऊपर से है भी भूखा रंगा। शाबाश खाला शाबाश, बहुत अच्छे। जितना दलील करना है कर लो, लेकिन जिस दिन मेरी लॉटरी लग गई, मैं अमीर हो गया ना, बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराऊंगा तुम्हें यहाँ। चल जा चल जा। ये मुंह और मसूर की दाल, तेरे जैसे निकम्मे निखट्टू जो है ना, वो मालदार नहीं होते। अरे काम का ना काज का दुश्मन हमारे अनाज का। अरे असगर भाई, तुम तो बैठो नीचे। क्या हो गया? बैठो तो सही। अबे बहुत इज्जत होगी, जा रहा हूँ मैं भाई। अरे असगर भाई, तो अम्मा को छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम वाकई में मेरा साथ दे दो तो मैं तुम्हें रातों रात अमीर कर सकती हूँ। वो कैसे? अभी एक मिनट, अब तो थोड़ा सारा ला दो। मिनट से पहले चोर होते थे।